हाँ तो दोस्तों, मैं विनय कुमार पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जेन्युइन बातों को आप लोगों के साथ हर्ष उल्लास के साथ शेयर करने आया हूँ, जिससे आप सभी को आपके जीवन क्षेत्र में मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि कुछ महीनों से मैं अपने चैनल पर नियमित रूप से वीडियो अपलोड न कर सका, जिसके चलते मेरे विद्यार्थी मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अक्सर कमेंट किया करते थे कि सर, क्या कारण है कि आप नियमित रूप से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। दोस्तों, मैं कुछ महीनों से वेबसाइट पर काम कर रहा था, नियमित रूप से मोटिवेशनल पोस्ट अपलोड कर रहा था, समय अभाव के कारण मैं नियमित रूप से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड न कर सका। इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, मेरे वेबसाइट का नाम है vinaysir.com, गोल vinaysir.com, vinaysiryoutuber.com, vinaysirmotivation.com, vinaysirmotivation.com/in, गोल vinaysir.com। इस पे मैं नियमित रूप से मोटिवेशनल पोस्ट अपलोड करता हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, उस लिंक को क्लिक करके सीधे मेरे वेबसाइट पर जाकर मेरे मोटिवेशनल पोस्ट को पढ़कर आप अपने जीवन क्षेत्र में लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया, मैं जिन भी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैंने इस समाज में देखा है, जो मैंने इस समाज में पाया है, जो मैंने इस समाज में जाना है, जो मैंने इस समाज में परखा है, जो मैंने इस समाज में अनुभव किया है, उसी अनुभव को आप लोगों के साथ में शेयर करने आया। दोस्तों, अगर मेरा अनुभव मेरा सुझाव अगर सही होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का मोटिवेशन आपको आपके जीवन क्षेत्र में मिलता रहे। दोस्तों, किसे जीवन में भूल जाना चाहिए, समय के अनुसार किसे जीवन में नहीं भूलना चाहिए समय के अनुसार, इसी को मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुखे तकलीफें संकटे पीड़ा मुसीबत आती है, हर इंसान के जीवन में आती है। उस समय उस दुख की घड़ी में अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो उस व्यक्ति को चाहे तो आप अपने जीवन में भूल भी सकते हैं, लेकिन जब आपके पास आपके अंदर दुख हुई तकलीफ हुआ पीड़ा हुआ संघर्ष में जो आपका साथ न दे, जो आपको आपके जीवन क्षेत्र में हमेशा उपहास उड़ाते रहे मजाक बनाते रहे, वैसे व्यक्ति को कभी जीवन में आपको भूलना नहीं चाहिए। आप उसके लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास साहस होनी चाहिए, आपके पास काम करने के प्रति बेहतर बनने के प्रति आपके अंदर जुनून होना चाहिए और आपके पास विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके दुख में साथ दिया उसको आप चाहे तो भूल भी सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके दुख के समय में आपका उपहास उड़ाया उस व्यक्ति को जीवन में कभी मत भूलना, और उससे आपको अंदर मोटिवेशन आना चाहिए और उस मोटिवेशन से आप अपने जीवन पथ पर अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। आपको इस समाज में अच्छा इंसान जब आप बनेंगे तो आप उसके लिए भी प्रेरणादायक होंगे और इस पूरे संसार के लिए आप प्रेरणादायक होंगे। तो दोस्तों, मैं जो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था कि जो व्यक्ति आपके मुसीबत में काम आया उसे आप थोड़ी देर के लिए आप भूल सकते हैं, लेकिन जो आपके मुसीबत में काम नहीं आया और उसके अंदर आप से वह उपहास उड़ाना शुरू किया, आपका मजाक बनाना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति को कभी जीवन में भूलिए मत। उससे आपको मोटिवेशन लाना है और उस मोटिवेशन से आपको जुनून होना चाहिए और जुनून के साथ संघर्ष करें और अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि आप जब बेहतर होंगे
तो सारी दुनिया बेहतर हो सकती है, आपसे मोटिवेशन मिल सकता है, और जब मोटिवेशन सबको मिलेगा तो पूरा समाज अच्छा हो सकता है, पूरा देश बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों मैं जो कहना चाहता था मैं इस वीडियो के माध्यम से कह डाला। अगर मेरा वीडियो, अगर मेरा सुझाव, मेरा अनुभव अगर सही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि इस तरह का मोटिवेशन आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।